अपने घर के फर्श पर थूकने की आदत मत बनाओ, वरना टीबी की बीमारी भी हो सकती है। मीठे मशरूबात ज़्यादा पीने से जिस्म में पानी की कमी हो सकती है। मोटापा एक जानलेवा मर्ज है। सुबह निहार मुँह लहसुन की 2 तरियां लेमों के साथ ले लें। पेट की फालतू चर्बी बर्फ़ की तरह पिघल जाएगी। अगर सांस फूलने का मसला हो तो दूध और शहद चंद दिन इस्तेमाल करें, सांस फूलने का मसला ख़त्म हो जाएगा। बीमार होने की सूरत में अपने दुश्मनों को माफ़ कर दें ताकि आप सेहतयाब हो जाएं। जिनको खून की कमी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी खाया करें, खून की कमी दूर हो जाएगी। अनार के छिलकों की चाय बनाकर पीने से फौरी नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है। कच्चा अनार खाने से गुर्दों में पथरी पैदा हो जाती है। जितना सुकून फजर की नमाज में अल्लाह ने रखा है, इतना सुकून अल्लाह ने किसी और चीज़ में नहीं रखा। दोस्तों, मौसम सरमा में अखरोट खाया करो, ये गुर्दों को गर्म रखेगा और सर्दी दूर करेगा। मौसम की तब्दीली की वजह से नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो गोश्त का शोरबा पीने से नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है। रात के वक्त मीठा खाकर सोने से नींद में खलल और मोटापे का बैस बन सकता है। नुस्खा तसल्ली से सुन लिया करें। लौंग औद अकर कर रहा मगज जाफिल छोटी इलायची के बीज दार चीनी इन तमाम चीज़ों का वज़न 10-10 ग्राम ले लें। तमाम चीज़ों का अच्छी तरह सफ़ूफ तैयार कर लें और शहद की मदद से काले चने बराबर गोलियां बनाकर रख लें। हम बिस्तरे से 1 घंटा पहले 1 गोली 1 नीम गिलास